आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करेला और भिंडी की सब्जी। हमारे यहाँ कुछ भिंडी और करेला बचा हुआ था तो इसी का आज मैं सब्जी बनाऊंगी। इस तरीके से एक बार आप भी ट्राई करिए, काफ़ी स्वादिष्ट लगेगा करेला और भिंडी की भुजिया। करेले और भिंडी को अच्छे से साफ करके मैंने धुल लिया है और एक जालीदार बर्तन में से छान लिया है। पानी को सुखा लेंगे, भिंडी को पत्ता पत्ता काट लेंगे, करेला को भी बीच से कट लगा कर पतला पतला इसको भी काट लेंगे। अब गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे, जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें जीरा से तड़का लगाएंगे, फिर कटी हुई भिंडी और करेले को फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसे कुक करेंगे, अब इसमें हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। देखिए भिंडी लगभग 80% कुक हो चुकी है, थोड़ी देर में यह पककर तैयार हो जाएगी। अब सब्जी पूरी की पूरी पक चुकी है, अब गैस को बंद कर देंगे और इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें।